हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू वांट टू परचेज माय कंप्लीट फिजिक्स वीडियो, यू कैन विजिट bansalitab.com, फ्रॉम वेयर यू कैन परचेज माय कंप्लीट वीडियो लेक्चर। यू कैन पे थ्रू पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर स्कूल फ्रेंड्स। ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल टू गेट मोर फ्री वीडियोज। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग विद बंसल लर्निंग। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिटर्नल मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे स्टार्ट चुका था, ठीक है, जब हमने सेंटर ऑफ मास और ये सब किया था, बट आज एक्चुअल में वो स्टार्ट हो रहा है। सो चैप्टर नेम रोटेशनल मोशन। क्या है इसको हम समझेंगे अभी, ठीक है, वन बाय वन समझेंगे। कितने टाइप के मोशन हमने स्टडी किए, उनमें से ये कैसे डिफरेंट है, सबकी हम एनालाइज सबको एनालाइज करने वाले हैं हम। सो फर्स्ट इज ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। अगर मैं मोशन के क्लासिफाई करूँ, मोशन अगर मैं हट डालू मोशन ना, तो अप टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या काइनेमेटिक्स में हम कौन से मोशन की स्टडी कर रहे थे, ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब लीनियर मोशन जो स्टडी कर रहे थे ना, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, या ट्रांसलेशनल कर सकते हो आप। उसके बाद रोटेशनल मोशन आएगा, और फिर क्या आएगा, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। सो कंबाइंड आप पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, कंबाइंड टी प्लस आर, ठीक है। ये तीन टाइप के मोशन है जो हम स्टडी करते हैं और जो हमारे सिलेबस में होता है। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, जो हमने स्टडी किया था इन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक बॉल मूव कर रहा था, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका एग्जांपल जो आप ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है, एंड ओवर दिस सरफेस वी हैविंग अ ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग विद सम वेलोसिटी। ये मोशन कैसा हो गया, ट्रांसलेटरी, ठीक है। अगर मैं रोटेशन की बात करूँ, अच्छा ये ऐसे ही एप्लीकेबल है, कुछ ऐसा पाथ हो फिर भी एप्लीकेबल है, फिर भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। इफ यू टॉक अबाउट रोटेटरी मोशन, सो बेस्ट एग्जाम्पल है क्या, फैन। फैन में क्या हो रहा है, घूमना होता है ना, मतलब किसी के अबाउट हमने फिक्स्ड कर दिया। मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड को हमने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, और इसके अबाउट मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ विद सम ओमेगा। ओमेगा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब आते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक व्हील है, ठीक है, जब ये व्हील का मूवमेंट हो रहा है तो ये जो पॉइंट है, देखो कुछ टाइम के बाद ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, प्लस ये व्हील रोटेट भी होती है, तो इसके पास वी भी है और ओमेगा भी है, वी भी है और ओमेगा भी है। तो क्या ये ट्रांसलेशन में है, यस, क्योंकि आगे भी तो बढ़ रहा है ना। रोटेशन का मतलब अपनी जगह पे रोटेट हो रहा है, देखो, ठीक है, ये आगे भी बढ़ रहा है और प्लस रोटेट भी हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। क्या तीनों समझ में आ गए, ठीक है। इसमें से कुछ पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो नहीं करा है वो हम करेंगे। अरे फुसफुस चुप हो जाओ, अपन हम फुसफुस रख दें, बहुत फुसफुस करते हो, ठीक है, आपसे फुसफुस ही बुलाएंगे आपको। फुसफुस में इतनी तेज आवाज़ नहीं होती, वो फुसफुस होता है, धीरे धीरे फुसफुस होता है। TFF तेज फुसफुस। अरे हो गया ना फुसफुस, आप कितना करोगे, हो गया। क्या हुआ, डन, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आप समझ सकते हो, जो मैंने पहले ही बताया होगा आप लोगों को शायद, कि जो साइकिल में ब्रेक लगाते हैं, बताया था क्या, नहीं तो समझ लो, साइकिल चलाया सबने, ब्रेक लगा के या ओपन करके, ब्रेक लगाते हो ना, ठीक है, फिर खींचोगे आप, कैसा मोशन होगा, हो सकता है ये भी हो जाए, अच्छे से ब्रेक नहीं लगाए, काम करो साइकिल का लॉक लगा दो, साइकिल में लॉक लगाया सबने,
अब साइकिल को खींचो आप, कैसा मोशन होगा? ट्रांसलेशनल, ठीक है। लॉक हटा के फिर मूव कराइए तो कंबाइंड टी प्लस आर, और साइकिल को स्टैंड पे लगा के फिर घुमाओ तो क्या समझ में आ रहा है? मतलब वहाँ से आप तीनों मोशन को विजुलाइज कर सकते हैं, क्लियर? ठीक है। सो अभी जो हम स्टडी करेंगे, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रोटेशनल मोशन एंड देयर आफ्टर कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन, ठीक है। ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इसका एक पार्ट होता है सर्कुलर मोशन, याद है कुछ? याद है कुछ सर्कुलर मोशन? मुझे ये बताइए कि सर्कुलर एंड रोटेशनल क्या दोनों सेम होते हैं? फैन का एग्जांपल लेते हैं, फैन रोटेशन कर रहा है या फिर सर्कुलर में? इस फैन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस फैन की बात कर रहा हूँ, या फिर इसको भी जब फिक्स कर देना उसकी बात हो रही है। कौन सा? जो फैन है ना, नॉर्मल फैन। अब बताओ ये सर्कुलर में है या फिर रोटेशनल में है फैन? ये क्लास सिक्स में बताते हैं, बताओ कौन सा कर रहा है ये? रोटेशन। तो बहुत ही इजी है चेक करना, रोटेशन भी तो दिख रहा है आपको और सर्कल भी कर रहा है। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर मोशन वी आर डीलिंग विद पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट रोटेशनल मोशन वी आर टॉकिंग अबाउट रिजिड बॉडी, ठीक है। तो एक रिजिड बॉडी भी मैं बताऊँगा आपको अभी। तो यहाँ पे अगर मैं ब्लेड, इसके ब्लेड पे किसी एक पॉइंट की बात करूँ, वो पॉइंट क्या कर रहा है? दैट पॉइंट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। बट यू टॉक अबाउट ओवरऑल बॉडी, दैट ओवरऑल बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई भी एक पॉइंट है वो सर्कल में घूम रहा है, और अगर पूरे बॉडी की बात करूँ दैट इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है सबके? ठीक है। तो सबसे फर्स्ट लिखिए इसमें रिजिड बॉडी, जो हम स्टडी करने वाले हैं, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी हम उसको बोलेंगे जिसमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये पैन है, इसको मैं थ्रो करूं, ठीक है, जब ये हवा में हो तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो वही रहेगा, चेंज हो जाएगा? वही रहेगा ना, मतलब कैसे भी जाए तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप में से किसी को उठा के छत पे से फेंक दिया जाए, जब आप हवा में रहेंगे तो अपने पता नहीं हाथ ऐसे करके क्या करेंगे, क्या आपकी बॉडी रिजिड बॉडी है? नहीं। तो सिंपल समझना ये है कि इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रिजिड। राइट डाउन, सिंपल समझना आपको, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन सेम, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन सेम। Distance between two points always remain same. सिंपल, उसे रिजिड बॉडी बोलेंगे। एक्चुअल में कोई भी ऑब्जेक्ट 100% रिजिड नहीं होता है, बट ठीक है हम मान लेते हैं, क्योंकि जैसे हम इसको भी रिजिड मानेंगे, इसको भी रिजिड मानेंगे, बट ह्यूमन बॉडी क्या है? रिजिड नहीं है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट हो रहा है। समझ में आया? जो हम स्टडी करने वाले हैं कौन सा? रोटेशनल मोशन, सिर्फ और सिर्फ हम रिजिड बॉडी की स्टडी करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट रिजिड नहीं है तो उसकी स्टडी पॉसिबल नहीं होती है, मतलब हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो हम सिर्फ रिजिड बॉडी की स्टडी करेंगे, उसका बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। इसमें वापस से आएंगे, इसको और भी समझेंगे, बट उससे पहले एक जो इम्पॉर्टेंट टर्म होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको देखते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जेई में एक क्वेश्चन तो आता ही है, जेई नीट में एक क्वेश्चन तो आता ही है इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। सो राइट डाउन हेडिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसको सबको समझेंगे अभी। इन सब कहानी पे वापस आएंगे, ट्रांसलेशनल रोटेशनल कंबाइंड। बट बिफोर दैट एक टर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो समझते हैं। पहले कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन में कर देता हूँ, फिर हम समझेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है। लेट्स सेक वी हैविंग अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी है, पत्थर है, ठीक है, और एक एक्सिस मैंने बना दिया, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है विथ ओमेगा से। व्हाट इज ओमेगा?
ठीक है। अच्छा याद करिए सर्कुलर मोशन, वहाँ पे वी और ओमेगा का रिलेशन हुआ करता था, अगर आपको याद हो। सर्कुलर मोशन में परपेंडिकुलर लिखने की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल मोशन में हम परपेंडिकुलर लिखते हैं। ये बताया था वी इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। इफ दिस इज मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, आगे आ जाओ आप, आगे आ जाओ। इफ इट इज मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, मान लेते हैं एक पॉइंट है यहाँ पे पी पॉइंट, जो कितने डिस्टेंस पे है आर वन, एक पॉइंट है यहाँ पे दिस इज पी टू, जो कि डिस्टेंस कितनी है आर टू, मतलब इसको ऐसे दिखा देता हूँ मैं, दिख जाए आर टू। एक और पॉइंट है पी थ्री, जिसकी डिस्टेंस है यहाँ से आर थ्री, मान लेते हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए जो पी पॉइंट है, पी वन पॉइंट है, उसका वी वन कितना होगा, ओमेगा आर वन, ये तो रिलेशन होता है ना, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ओमेगा आर टू, इसकी हो जाएगी ओमेगा आर थ्री, मतलब इस तरीके से हम इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं कि बताइए इस पूरे सिस्टम में अगर इसका टोटल मास एम है, ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को मल्टीपल पॉइंट 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 ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, लास्ट में सबको ऐड करेंगे, विल गेट फाइनल काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है, मतलब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं इसका जो मास है मान लेते हैं एम वन, इसका मास मान लेते हैं एम टू, इसका मान लेते हैं एम थ्री, वैसे कितने हो सकते हैं ऑब्जेक्ट, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सो यू कैन राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस हाफ एम वी थ्री स्क्वायर एम वन एम टू एम थ्री, वैसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, सबको जब हम ऐड करेंगे सबकी काइनेटिक एनर्जी, सो विल गेट फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर ये पॉइंट, ठीक है। हाफ इंटू एम वन वी वन, वी नो वी वन इज ओमेगा आर वन, कितना होगा ओमेगा आर वन का होल स्क्वायर प्लस वन बाय टू इंटू एम टू, वी टू कितना हो जाएगा ओमेगा आर टू का होल स्क्वायर प्लस वन बाय टू इंटू एम थ्री, कितना हो जाएगा ओमेगा आर थ्री का, सो हाफ एम वन ओमेगा स्क्वायर आर वन स्क्वायर हाफ एम टू ओमेगा टू स्क्वायर आर टू स्क्वायर सो ऑन, ऐसे कुछ होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से हाफ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, क्या ओमेगा समय सेम होगा ना, क्योंकि आपको बताया था अगर ओमेगा बॉडी के लिए बनना है तो हर एक पार्टिकल के लिए ओमेगा सेम होगा, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचा यहाँ पे एम वन प्लस आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस लाइक दिस, मतलब ये हो गया आपके हाफ एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ डेरिवेशन उसके मैं बताऊँगा क्या मतलब है इसका, लिख लीजिए। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, क्या लिख लिया, सोच रहे हो, सोचो अपनी इच्छा, अलग अलग पार्टिकल ले लो अलग अलग मास के, ओमेगा तो सेम ही होना है, कितना भी मास लो आप, अगर आप सेम लोगे तो सबका सेम हो जाएगा, नहीं लोगे तो नहीं होगा, बट ये है कि सभी लिए ओमेगा सेम होना है। बट ध्यान ये रखना है आर वन आर टू आर थ्री ये सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि एक्सेस आप बोलोगे सर यहाँ से डिस्टेंस तो कुछ और हो जाएगा, नहीं, दीज आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
लिख लिए क्या? ठीक है, अगर इस क्वांटिटी को कुछ मान लूँ मैं, मान लेते हैं आई, क्या है बताऊंगा बाद में, बट मान लीजिए क्वांटिटी को आई मान लिया, तो क्या बन गया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ना? ठीक है, वापस समझिए आप, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ इन जनरल, क्या फॉर्मूला हुआ करता था? ठीक है, अभी क्या मिल रहा है हमें? कुछ कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? फॉर्मेट तो वैसा ही है ना? ठीक है,